एक बार आप सभी कमेंट्स करके बता दीजिए सभी चीज़ें सही हैं सो फिर भाई हम लोग क्लास की यहाँ पर अपनी शुरुआत कर लेते हैं इसके साथ ही भाई आप सभी जो कि है यहाँ पर अपने बैच के बारे में याद रखेगा कि अभी अन अकेडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है आप सभी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के साथ में यहाँ पर अपने ट्वेंटी फोर मंथ्स यानी कि दो साल के लिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको चार हजार पाँच सौ रुपये में यहाँ पर बैच दिया जा रहा है इसके साथ ही आप ट्वेल्व मंथ्स यानी कि एक साल के लिए भी बैच को परचेज कर सकते हैं जो कि आपको फोर थाउजेंड यानी चार हजार रुपये में दिया जा रहा है और फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के लिए आप लोग मेरे कोड का यूज़ कर सकते हैं जो कि है एस ओ टी वाई यानी कि सोनम त्यागी मेरा कोड है और कोड के साथ में आप सभी फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के साथ में अपने बैच को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं यह जो कि बैच है आप लोगों का अभी 10 अगस्त से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है जिसमें कि सीजन 2024 में आपकी प्री से लेकर के मेंस तक की, की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर कराई जा रही है साथ ही आप सी प्री से लेकर के मेंस तक की तैयारी के लिए अपने बेच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका 10 अगस्त से यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ है साथ ही आप अपने एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अनकेडमी एप्लीकेशन पर अपने नोट्स भी यहाँ पर ले सकते हैं एंड आपको एप्लीकेशन पर अपनी स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं तो आप सभी अपनी स्पेशल क्लासेस भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अनकेडमी एप्लीकेशन पर ठीक है तो भाई फिलहाल अब अब हम लोग अपनी क्वेश्चंस की क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो अभी अपनी क्लास में मैं आप लोगों को देखो मेरी जो क्लास है यूट्यूब पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरी क्लास किस किस टाइम पर हो रही है एक तो सुबह ग्यारह बजे मेरी क्लास हो रही है और इस क्लास में अभी मैंने अपना पॉलिटी यहाँ पर स्टार्ट की हुई है जिसमें कि कल हम लोग लास्ट डे इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे देन हम लोग यहाँ पर अपना ज्योग्राफी को स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो आप सभी यहाँ पर एम के एक अच्छे रिविज़न के लिए या फिर जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अच्छे रिविज़न के लिए आप लोग सुबह ग्यारह बजे मुझे ज्वाइन करेंगे शाम को सात बजे मैंने आप लोगों के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर स्टार्ट की हुई है जो कि आप यहाँ पर क्लास में मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ठीक है साथ ही शाम को टेन फोर्टी फाइव पी पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन रहता है जिसमें कि आज मैं आप लोगों को इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ के बारे में डिस्कवरीज के बारे में यहाँ पर कवर कराऊंगी ठीक है तो आप सभी यहाँ पर भाई सेशन से जरा जुड़ जाएंगे टाइमली ही क्लासेस से ठीक है चलिए फिलहाल अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सभी यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या हमारा आंसर जो कि है यहाँ पर जाएगा गुड इवनिंग तनवी स्टोरी ओके okay? चलिए भी आंसर कीजिए फटाफट से क्या हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन में बताएंगे आप सभी कमेंट्स करके चलिए चलिए भी आंसर करेंगे सभी के सभी यहाँ पर क्या हमारा आंसर जो की है यह अपना यहां पर जाएगा फटाफट से चलिए आंसर करेंगे भाई क्या रहेगा क्वेश्चन है कि वर्तमान में रो के प्रमुख कौन है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा आपको बताना है कि वर्तमान समय में रो के जो की भाई प्रमुख है यह कौन है आंसर कीजिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ठीक है रो की अगर बात की जाए तो ये क्या है रो, रो की अगर बात की जाए तो क्या है तो यह है रिसर्च एंड एनालिसिस एनालिसिस विंग्स ठीक है analysis, analysis क्या है यह है, इसकी फुल फॉर्म है याद रखिएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो की है यह है, इसकी फुल फॉर्म है हाल ही में इसके जो की अध्यक्ष यहां पर चुने गए हैं ये आप लोगों को बताना है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है भारत की एक एजेंसी है ठीक है जिसका जो कि फॉर्मेशन है यह नाइनटीन सिक्सटी एट में यहाँ पर किया गया था इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो भाई न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है रोका ठीक है याद रखिएगा और इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसके लिए जो कि मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है वह होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो भी यहाँ पर उस समय पर रहेंगे साथ ही एग्जीक्यूटिव यानी कि एजेंसी एग्जीक्यूटिव की बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रवि सिन्हा है क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात कर लेते हैं सो भाई कौन है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में है यहाँ पर रवि सिन्हा चलिए क्लास में बफरिंग हो रही है क्या चलिए एक बार सभी बता देंगे क्लियर है यहाँ पे आंसर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं भाई सभी बताएंगे यहाँ पे आप लोगों को चार एजेंसी के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि भाई आप ये बताइए कि सबसे पुरानी एजेंसी जो की है यह है कौन सी है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा सबसे पुरानी एजेंसी की बताएंगे आप सभी यहाँ पर क्या आपका आंसर यहाँ पे रहेगा चलिए फटाफट से चलिए सबसे पुरानी एजेंसी इन चारों में से यहां पर कौन सी है फटाफट से आंसर करके बताएंगे चलिए आंसर करेंगे फटाफट से चलिए क्या हो जाएगा देखो यदि हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में तो 1865 में इसका गठन यहाँ पर किया गया है ठीक है साथ ही इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो भाई इसका जो कि गठन है यहाँ पर कब किया गया है इसका गठन किया गया है 1958 में ठीक है यूनिवर्सल पोस्टल की बात कर लेते हैं इसका गठन कब किया गया था तो 1874 के समय पर किया गया था यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं तो 1919 के दौरान इसका गठन किया गया था ठीक है क्लियर है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा इनमें से यदि हम बात कर लेते हैं तो आपका जो कि आंसर जाएगा वह ए ऑप्शन के साथ में यहां पर जाएगा यानी कि इंटरनेशनल टेली यूनियन जो की है यह हमारा सही आंसर यहाँ पर रहेगा क्लियर है एक बार आप सभी कमेंट्स करके मुझे बता दो मुझे लग रहा है कि आप लोग के कमेंट्स रुके हुए हैं चलिए भाई सभी चीजें ठीक है चलिए ओके रिमझिम चलिए अंशु ओके टाइमली ही सभी क्लास से जुड़ जाया क्या कीजिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन कि है किस राज्य की राज्य के शहर को राज्य नहीं है राज्य के शहर यानी कि सिटी के नाम आपको दिए गए हैं तो बताएंगे किस को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता है ये आप लोगों को आंसर करके बताना है आंसर कीजिएगा निर्भया के भारद्वाज चलिए आयशा लोकेन्द्र चलिए आंसर करेंगे भाई सभी के सभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बिल्कुल किसको कहा जाता है तो रोम ऑफ जो की है यह है, मंगलोर को कहा जाता है क्या हो जाएगा मंगलोर मंगलोर की बात कर लेते हैं मंगलोर जो की है यह है, अरब सागर और पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है मैंगलोर ठीक है इसकी अगर बात करते हैं तो इसे पूर्व का रोम कहा जाता है इस शहर का जो कि नाम है यह हिंदू देवता मंगला देवी के नाम पर रखा गया है और मैंगलोर भारतीय राज्य कर्नाटक का एक बंदरगाह शहर भी जाना जाता है ठीक है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है कर्नाटक राज्य का एक शहर है जहां पर की इसे पोर्ट सिटी के लिए जाना जाता है जैसे पूछ लिया जाता है ना कि भाई मंगलोर पोर्ट कहाँ पर है बंदरगाह कहा पर है तो यह है कर्नाटक राज्य में ठीक है क्या हो जाएगा अपना आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा आंसर था चलिए दे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं यहाँ पर कुछ देश के नाम यहाँ पर आप लोगों को दिए गए हैं और उनके सामने आपको उनकी करेंसी के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आप लोगों को बताना है कि भाई यहाँ पर सही मिलान जो की है वह आपका क्या यहाँ पर रहेगा फटाफट से बताएंगे चलिए आंसर करके क्या हो जाएगा चलिए फटाफट से भी आप सभी जो की हैं आंसर करके यहाँ पे बताएंगे क्या हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा फटाफट चलिए बताएंगे भाई यहाँ पर जल्दी से ही क्या हो जाएगा हाँ यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा जरा यदि मैं यहाँ पर साइप्रस की बात करूँ तो यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क की करेंसी है क्रॉन इजिप्ट की बात कर लेते हैं तो पाउंड यहाँ पर करेंसी चलती है और जॉर्डन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिनार करेंसी चलती है तो आपको चारों के चारों जो ऑप्शन है यह है, वन लाइनर फॉर्म में ही बिल्कुल सही दिए गए थे जिसमें कि आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं प्रदीप चलिए इसमें क्या हो जाएगा अपना जो कि आंसर है यह है बल लाइनर फॉर्म में ही यहाँ पर बिल्कुल सही आप लोगों को दिया गया है द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब इसमें आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है यह है आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे कब मनाया जाता है इन सभी में आप लोगों को आंसर करके यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा चलिए फटाफट से क्या हो जाएगा कब मनाया जाता है चलिए आंसर करेंगे क्या भाई अपना जो आंसर है यह है हमारा यहाँ पे जाएगा जल्दी से बताएंगे साक्षरता दिवस यानी कि क्या हो जाएगा आपका लिटरेसी डे यह कब मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है लिटरेसी डे जो कि है हमारा कब मनाया जाता है चलिए बिल्कुल सही है देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन में इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो 8 अगस्त जो की है यह लिटरेसी डे के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है यदि हम 20 अगस्त की बात कर लेते हैं तो एक तो यह है सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है इसके साथ ही इस दिन वर्ल्ड मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटो डे के रूप में भी यह मनाया जाता है क्या हो जाएगा वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है 16 अक्टूबर की बात कर लेते हैं तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है क्या हो जाएगा वर्ल्ड फूड डे 5 जून की बात कर लेते हैं तो इस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में यह मनाया जाता है यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्लियर है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इंटरनेशनल लिटरेसी डे यह आप लोगों का आठ सितंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट भी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी आंसर करेंगे क्या हो जाएगा कलिंग महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा क्या हमारा आंसर जो की है यहाँ पर रहेगा फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा चलिए कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल है जो कि कलिंग फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर मनाया जाता है बताएंगे आप सभी चलिए कलिंग महोत्सव कलिंग महोत्सव जो कि है यह टूरिज्म को क्या हो जाएगा टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है जो कि हर वर्ष इसका जो आयोजन है यह ओडिशा राज्य में किया जाता है इसके साथ ही यहाँ पर छऊ छऊ फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है यहाँ पर रथ फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है ठीक है इसके साथ ही यहाँ पर नुँआ खाई नुआखाई खाई फेस्टिवल का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है ठीक है खाई फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है यहाँ पर और इसके साथ ही राजा प्रभा राजा प्रभा राजा प्रभा फेस्टिवल का आयोजन भी ओडिशा राज्य में किया जाता है ठीक है? याद रखिएगा। ये सभी के सभी फेस्टिवल एक बुक का नाम आपको दिया गया है आपको बताना है कि यह है इसके लेखक कौन है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा चलिए स्टोरी ओके शो गुड बॉय चलिए लॉ केंद्र चलिए बिकु चलिए ता ओके सभी के सभी बताइए क्या हो जाएगा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं सो यह है शशि थरूर की बुक है इसके साथ ही इनकी बुक है एक और एन एरा ऑफ एन एरा ऑफ डार्कनेस एन एरा ऑफ डार्कनेस इन्हीं की बुक है इसके साथ ही इनकी बुक की यदि हम बात कर लेते हैं तो आ, यहां पर वाई आई एम हिंदू हिंदू जो की है यह भी इन्हीं की बुक ठीक है याद रखिएगा अपनी इसी बुक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था शशि थरूर को और शशि थरूर एक एक राजनेता यानी कि एक पॉलिटिशियन के रूप में भी जाने जाते हैं और एक राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से क्या हो जाएगा भाई चलिए बताएंगे क्वेश्चन तो है हमारा कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट घास पर खेला जाता है चलिए चार ग्रैंड स्लैम के नाम दिए गए हैं कौन सा खेला जाता है देखो यदि मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूं तो यह सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर विंबलडन ओपन की बात कर लेते हैं तो यह है ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं तो भाई यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन की बात कर लेते हैं तो यह है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है याद रखिएगा ठीक है इन सभी के बारे में याद रखेंगे तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा यह अपना विंबलडन ओपन के साथ में हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा क्लियर है भाई ग्रास कोर्ट के बारे में पूछा गया था विंबलडन ओपन आंसर होगा हमारा विंबलडन ओपन ठीक है द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है कि रेक राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है आंसर कीजिए क्या हो जाएगा चलिए किस राज्य में यह स्थित है, है? यह आप लोगों को बताना है रेक राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में यह स्थित है, है? आंसर करेंगे बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा यहाँ पर मेघालय मेघालय राज्य में दो नेशनल पार्क है ठीक है दो नेशनल पार्क है एक तो है नौकरेक दूसरा कौन सा है बाल क्या हो जाएगा पकरम नेशनल पार्क दो नेशनल पार्क है जो कि मेघालय राज्य में है ठीक है याद रहेगा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे तो भाई एक तरफ आप लोगों को कुछ फोक डांस के नाम दिए गए हैं उनके सामने आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर मैचिंग करनी है कि भाई कौन सा यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हमारा जाएगा चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी के सभी भाई क्या हो जाएगा बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा चलिए फटाफट से क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं जरा यहाँ पर क्या जाएगा देखो यदि हम बागुरुम्बा की बात कर लेते हैं तो यह है बोरो ट्राइब के द्वारा किया जाता है और बोरो ट्राइब जो की है हम भाला कल्पक्कम की बात कर लेते हैं तो यह है आपका संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से टांगी की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश झोरा की बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य तो क्या हो जाएगा कि भाई बागुरुम्बा असम में एंड भामा कल्पक्कम की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश डांगी की बात कर लेते हैं यह है हिमाचल प्रदेश और आपका झोरा जो कि उत्तराखंड राज्य यहाँ पे रहेगा यानी कि ए का थर्ड है बी का क्या हो जाएगा फोर्थ है सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड तो थ्री फोर्थ ठीक है ना चलिए तो यहाँ पे जरा देखिएगा हम लोग इस अपने इस क्वेश्चन पर थे इसमें जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि ए का हमारा थर्ड के साथ में जाएगा बी का हमारा फोर्थ के साथ में जाएगा सी का हमारा फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट है डी का हमारा सेकंड होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2. क्लियर है पे ये हमारा सही अपना आंसर था चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं सभी अब अगले क्वेश्चन में आंसर करेंगे क्या हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा अभी क्लियर है ना चलिए क्लास चल गई है ना सुनील ओके चलिए तो अब जल्दी से फटाफट फड़ से इस क्वेश्चन में आप सभी आंसर करके जरा मुझे बताएंगे कि क्या आप लोगों का आंसर जो की है यहाँ पे अपना जाएगा चलिए चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे तो एक तरफ आप लोगों को कुछ थर्मल पावर प्लांट के नाम दिए गए हैं उनके सामने आपको भाई उनकी लोकेशन जो की है वह आप लोगों को मैचिंग करके बताना है कि यह कहाँ पर आप लोगों का लोकेटेड है चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर मिलान करना है कि भाई क्या यहाँ पे हमारा जो की है यह आंसर है अपना जाएगा चलिए फटाफट -फड़ से क्वेश्चन में आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा देखते हैं जरा देखो पारा थर्मल पावर प्लांट की बात कर लेते हैं यह ओड़िशा है में ही है रामागुंडम की बात कर लेते हैं यह है तेलंगाना में ही है तालचेर की बात कर लेते हैं यह ओडिशा है में ही है कोरबा की बात कर लेते हैं यह है छत्तीसगढ़ में ही है तो क्या हो जाएगा कि भाई आप लोगों को वन लाइनर फॉर्म में ही यहाँ पर सही आंसर दिया गया है ठीक है क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आप लोगों का वन टू थ्री फोर जो की है यह हमारा यहाँ पर सही आंसर आपका जाएगा क्लियर है चीजें क्या हो जाएगा भाई अपना जो की है हमारा वन टू थ्री फोर के साथ में ही सही आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे सभी के सभी आंसर करके बताएंगे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा चलिए बताइएगा तो क्वेश्चन है कि जोड़े मिलान एक तरफ आप लोगों को कुछ ट्राइब के नाम दिए गए हैं उन आ, उनके सामने आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आपको बताना है कि भाई क्या आप लोगों का जो की है यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा फटाफट से चलिए बताइए तो सबसे पहले है निशी ट्राइब किस आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए क्या हमारा आंसर जाएगा निशी की अगर बात कर लेते हैं तो निशी जो कि भाई ट्राइब है यह है आपकी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है ठीक है देन खोड की बात कर लेते हैं तो यह है कहाँ पर है यह है आप लोगों का ओडिशा में द नेक्स्ट है यहाँ पर सिद्धि की बात कर लेते हैं यह है गुजरात में है एंड चंगपा की बात कर लेते हैं तो यह है आपकी लद्दाख में है ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का जो कि आंसर है ए का रह जाएगा सेकंड बी का हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ सी का हो जाएगा फर्स्ट एंड डी की बात कर लेते हैं तो थर्ड सो टू फोर वन थ्री यहाँ पे हमारा सही आंसर अपना जाएगा क्लियर है क्या हो जाएगा टू फोर वन थ्री जो कि है भाई यह है अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है ये आपको बताना है आंसर भाई सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर नहीं है यह आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा आप लोगों का चलिए बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल देख लेते हैं जरा देखो यदि हम मानस वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं कहाँ पर है असम में है और यह है भारत की विश्व धरोहर में शामिल है वेस्टर्न घाट जिसे की सहयाद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है यह भी शामिल है देन हुमायूं के मकबरे की बात कर लेते हैं यह भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है बट आगरा फोर्ट जो कि इलाहाबाद फोर्ट जो कि है यह शामिल नहीं है हाँ आगरा फोर्ट इसमें शामिल है यूपी से इसके साथ ही राजस्थान के भी छह फोर्ट को शामिल किया हुआ है बट इलाहाबाद फोर्ट इसमें शामिल नहीं है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था इलाहाबाद फोर्ट नेक्स्ट आंसर कीजिएगा मेघालय में, में लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताएंगे आप सभी चलिए मेघालय में, में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल जरा देख लेते हैं यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा मेघालय की बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी लोकसभा की सीटें हैं तो जरा देखिएगा यहाँ पर मेघालय की बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्यसभा की एक सीट है लोकसभा की दो सीट है मेघालय का अपना ही हाईकोर्ट है इसके एरिया की बात कर लेते हैं तो इसका जो एरिया है यह ट्वेंटी किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है फागु चौहान यहाँ पर गवर्नर है कौनरड संगमा यहाँ पर मुख्यमंत्री है मेघालय राज्य में क्वेश्चन तो में क्या हो जाएगा कि भाई दो यहां पर लोकसभा की सीटें हैं क्लियर है क्या हो जाएगा कि भाई दो जो की है, यहां की वह पर लोकसभा सीटें हैं साथ ही इनको भी पर पर याद रखना राज्यसभा की यहां पर एक ही सीट है ठीक है चलिए द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर निम्न में कि से किसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया ये दो की बात की जा रही है आपको बताना है कि भाई किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से क्या हमारा आंसर जो की है यह है यहाँ पर जाएगा ये आप लोगों को बताना है आंसर कीजिएगा भाई जल्दी से क्या रहेगा क्वेश्चन में चलिए चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हमारा आंसर जो की है यहाँ पे अपना जाएगा फटाफट से देखो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बारे की यदि हम बात कर ले दो में तो कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है तो भाई छह लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है जिसमें कि जाकिर हुसैन है एस एम कृष्णा है श्रीनिवास वरदान है इन सभी को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और कुल मिलाकर के 2023 में छह लोगों को यहाँ पर दिया गया है ठीक है याद रखिएगा तो इन तीनों को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दो में नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे सभी के सभी कि भाई क्या आप लोगों का आंसर जो की है यहाँ पे रहेगा चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए देखो यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा सीमुख सीमुख की बात कर लेते हैं तो इनको जाना जाता है जो कि सात वाहन वंश रहा है इसके संस्थापक फाउंडर के रूप में केरी काला की बात कर लेते हैं तो यह है चोला वंश से यहाँ पर संबंधित रहे हैं दंती दुर्ग की अगर बात की जाए तो इन्हें जाना जाता है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में यहाँ पे एक बार जरा देखिएगा राष्ट्रकूट जो कि है यह दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण भारत के मध्य भारत और उत्तरी भाग के बड़े भूभाग राज्य पर यह फैला हुआ था इनका जो कि यहाँ पर Uh, मतलब uh, जो साम्राज्य रहा है यह कुछ यहाँ पर 1735 से लेकर के 1982 के बीच में इन्होंने शासन किया है जिसमें कि कि सबसे पहले जो इसके प्रथम फाउंडर रहे हैं है, दंती रहे जिन्होंने की जिन्होंने कि 1735 के करीब यहाँ पर uh, स्थापना की थी एंड सबसे लास्ट की बात करते हैं जो लास्ट रहे हैं अंतिम यह है इंद्र फोर्थ रहे हैं क्या हो जाएगा इंद्र फोर्थ यह लास्ट रहे हैं ठीक है ठीके? याद रखिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं द नेक्स्ट आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा तो बताना है कि विद्युत चालकता की इकाई कौन सी है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए विद्युत चालकता की जो कि भाई इकाई है ये आप लोगों को बताना है कि ये है किसकी इकाई है आंसर कीजिए सभी क्या हो जाएगा चलिए बताएंगे चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे ये ऑप्शन ओके okay. विद्युत चालकता की जो कि इकाई है यह क्या है आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा ओके okay. लोकेन्द्र ओके okay. बाकी सभी भी जरा आंसर करके बताएंगे चलिए किसकी यह इकाई है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी के सभी क्या यहाँ पे आंसर आपका रहेगा चलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो इसकी जो कि एसआई यूनिट है यह है है सीमेंस याद रखिएगा ठीक है जल्दी से आंसर किया करो वेबर की बात कर लेते हैं तो भाई यह है मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई आई यूनिट है और जूल की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सो यह है वर्क क्या हो जाएगा वर्क की यह है यूनिट है एसआई आई यूनिट ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का जो कि आंसर है यह हमारा ए ऑप्शन के साथ में यहाँ पर जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा भाई ए ऑप्शन के साथ में हमारा जो की है आंसर यहाँ पर जाएगा ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बताएंगे आप सभी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की सर्वाधिक ऊंची चोटी है बताइए हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा चार पीक के नाम आपको दिए गए हैं आपको बताना है ओड़िशा की सबसे ऊंची चोटी जो की है यह क्या हो जाएगा चलिए इस ओके तो सुनील कोई बात नहीं जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो सही भी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन पर बताएंगे सभी बच्चों आंसर करके क्या रहेगा यहाँ पे देवमाली बिल्कुल इसकी हाइट भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा उड़ीसा की हाईएस्ट पीक जो की है यह है देवमाली है इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा जरा देवमाली चोटी जो की है लगभग यह एक हजार छह सौ बहत्तर यानी कि वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू मीटर जो की है इसकी हाइट है और यह उड़ीसा की हाइएस्ट पीक के लिए यहाँ पर जानी जाती है इट इज सिचुएटेड नियर नियर दी देव क्या हो जाएगा यहाँ पर इसकी अगर बात कर लेते हैं तो यह है दुआधारी विलेज दुआधारी विलेज के नियरेस्ट यहां पर स्थित है स्थित है यहां पर जो कि जो कि पोटांगी पंचायत डिविजन्स विच इज अबाउट सेवेंटी किलोमीटर फ्रॉम दी कोरापुट कोरापुट सेमी लिगुडा तो यह है नियरेस्ट यहाँ पर पड़ती है इसका जो कि कोरापुटा से लगभग सेमी गुलिडा है खैर इतना छोड़िएगा इसमें यह याद रखना कि यह दुआधारी गांव के नजदीक पड़ती है ठीक है ओडिशा राज्य में इतना याद रखिएगा और साथ ही इसकी हाइट भी याद रख लीजिएगा कभी कभी आप लोगों से इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम लोग यहाँ पे आप सभी आंसर करके बताएंगे uh, बताना है कि खंजर जो कि अभ्यास है यह है, किसके बीच में यहाँ पर की जाती है चलिए बताएंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा किसके बीच में यहां पर की जाती है यह आप लोगों को बताना है फटाफट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए चलिए जल्दी से भाई क्या अपना आंसर यहां पर जाएगा यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसकी अगर बात कर लेते हैं तो भाई यह है किया जाता है कि ग्रिसान के साथ में भारत और उज्बेकिस्तान की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रस्लिक अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है इसके साथ ही कॉम्बैक्ट फ्री फॉल फ्री फॉल इस अभ्यास का आयोजन यहाँ पर भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में रहा है सऊदी अरब की बात कर लेते हैं तो अल अल मोहम्मद अल हिंद अल मोहम्मद अल हिंद इस अभ्यास का जो कि आयोजन है यह अभी 2023 में ही यहां पर किया गया है जो कि दोनों ही देशों की नेवी के बीच में इस अभ्यास का आयोजन किया गया था तो 2023 में यहां पर की गई है इसके लिए भी यह काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट आगे आ जाते हैं बताएंगे आप सभी कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है आंसर कीजिए बद्रीनाथ मंदिर जो की है भाई यह है किस नदी के किनारे पर है आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए बद्रीनाथ जो की है यह है किस मंदिर किस नदी के किनारे अलकनंदा है घाघरा है भागीरथी है या फिर तुंगा है चलिए बिल्कुल सही क्या हो जाएगा अलकनंदा नदी के किनारे पर यह स्थित भागीरथी की बात कर लेते हैं तो केदारनाथ का जो की मंदिर है यह भागीरथी नदी के किनारे पर यहाँ पर स्थित है और ये दोनों नदियां मिलकर के ही गंगा नदी बनाती है देव प्रयाग में कहा प्रयाग में ये है दोनों नदियां मिलकर के ही गंगा नदी बनाती हैं चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पेपर चलते हैं बताएंगे आप सभी की तूती कोरिन बंदर कहाँ कहा स्थित है आंसर कीजिए तूती कोरिन पोर्ट जो की है भाई यह है कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे यदि हम भारत में बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पर टू हंड्रेड पोर्ट है दो तो बंदरगाह हाँ है जिसमें कि थर्टीन तो है हमारे मेजर पोर्ट यानी कि प्रमुख बंदरगाह हाँ है बाकी सेवन जो कि है यह हमारे नॉन मेजर पोर्ट है क्या हो जाएगा यह हमारे नॉन मेजर पोर्ट है और तूती कोरिन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा कि भाई तमिलनाडु में यह है आप लोगों का यहाँ पर स्थित क्या हो जाएगा भाई तूती कोरिन की बात कर लेते हैं तो यह भारत के पूर्वी एरिया की ओर पड़ता है भारत की कौन सी दर्रा आ, कौन से दर्रा को तिब्बत से यहां पर जोड़ती है बताइए इनमें से कौन सा दर्रा है यहाँ पे यह नीति होगा कौन सा यहां पर दर्रा है जो कि तिब्बत को भारत से जोड़ता है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए आंसर करेंगे फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए आंसर करेंगे भाई सभी के सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा फटाफट से चलिए अजीत मैं बुक एंड ऑथर वाला टॉपिक मैंने हंड्रेड बुक्स के बारे में तो करा दिया है और जल्दी ही मैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो आपकी हिस्ट्री की बुक है ना वो भी कराऊंगी मैं आप लोग को पार्ट्स में कराऊंगी तो आप सभी क्या करना मेरी जो टेन फोर्टी फाइव पी एम वाली क्लास होती है ना उसको देख लिया क्या कीजिए ठीक है आप अन अकेडमी के होम पर जाएंगे मैं भी आप लोगों को दिखा दूंगी एक बार लास्ट में कि बुक्स वाला टॉपिक कहाँ पे मिल जाएगा आपको चलिए इसके लिए पहले एक बार जरा आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा और इसका स्क्रीन ले लेना या फिर नोट्स बना लेना देखिएगा यहाँ पे का पास की बात कर लेते हैं तो यह कश्मीर से चाइना को जोड़ता है भारत को बारालाचा की बात कर लेते हैं तो मनाली से लेह को बनिहाल की बात कर लेते हैं तो कश्मीर और जम्मू को जोड़ता है शिपकिला की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है अगी आ, पास की बात कर लेते हैं लद्दाख रीजन को यहाँ पर जिंग जेंग को जोड़ता है चीन वाला जो एरिया है चांगला की बात कर लेते हैं लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता है लंका ला की बात कर लेते हैं तो यह है इंडिया और चाइना को जोड़ता है इसका स्क्रीन शॉट ले लेना तो बहुत कम बार ही शायद ये हमें क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर कौन सा तिब्बत है जो कि यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है कौन सा तिब्बत है बताएंगे आप सभी कौन सा पास है जो कि यहां पर कनेक्ट करने का काम कर रहा है भारत को तिब्बत के साथ में पूछा गया है ना चलिए बताएंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए आंसर करेंगे क्या आपका आंसर जो कि है यह हमारा यहाँ पे रहेगा शिपकिला है बनिहाल है कौन सा दर्रा है बताओ जल्दी से अभी फटाफट से बताइए क्वेश्चन में क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए हिमाचल बारह लाचा जो की है हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है हिमाचल को लद्दाख से यह जोड़ता है ठीक है यह ध्यान रखिएगा बाकी आंसर करके बताओ क्वेश्चन में अरे आंसर करके बताइए सभी आपके पास ऑप्शन है आपको इनमें से देख करके बताना है जल्दी से क्या हो जाएगा चलिए चलिए इसमें यह याद रखना कि जो नीति पास है ना यह है आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र जो की है इससे यह तिब्बत को जोड़ता है ठीक है उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है इससे यह तिब्बत को जोड़ता है यह चीज यहाँ पर याद रखेगा क्लियर तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बाकी इसका भी स्क्रीन ले लेना ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो बारह लाचा के बारे में तो यहाँ पर दिया हुआ था सॉरी चलिए आंसर करेंगे कि भाई नारी शक्ति पुरस्कार को प्रति वर्ष किसके द्वारा दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा नारी शक्ति पुरस्कार जो कि है किसके द्वारा दिया जाता है यह अवार्ड जो कि है भाई यह ईयरली ही यहाँ पर दिए जाते हैं जिसकी जो कि शुरुआत है चलिए पहले आप आंसर कीजिए फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके बारे में एक बार किसके द्वारा यह दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा सभी ठीक है इसमें जरा देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में तो भाई सर्वोच्च नागरिक भारत के जो कि महिलाओं में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इंटरनेशनल वीमेंस डे जो कि 8 मार्च को होता है वो नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में यह प्रदान किया जाता है यानी कि दिया जाता है ठीक है याद रखिएगा यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है इसके साथ ही इसका जो टाइटल है आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पर इसे जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे उन्नीस में, में स्त्री शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाया करता था 2015 में इसका नाम दोबारा से रिनेम्ड किया गया और इसे नारी शक्ति पुरस्कार के नाम से यहाँ पर जाना गया इसमें यदि हम प्राइज मनी की बात कर लेते हैं तो लगभग दो लाख रुपए और एक लाख रुपए जो की है यहाँ पर प्राइज मनी के तौर पर यह दिए जाते हैं जो कि जनरली यहाँ पर दो इंडिविजुअल कैटेगरी में दिए जाते हैं ठीक है याद रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि भाई यह हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है ठीक है अगले क्वेश्चन पर, पर चलते हैं सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी मस्जिद किस राज्य में स्थित है बताइए अखिलेश मैं अच्छी हूँ आप भी अच्छे होंगे चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी मस्जिद किस राज्य में यहाँ पर स्थित है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए किस राज्य में यह स्थित है तो यह है केरल राज्य में चलिए इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा मस्जिद के बारे में देखिएगा यहाँ पर सो so, चेरा मन जुमना मस्जिद क्या हो जाएगा चेरा मन जुमना मस्जिद जो कि है यह है भारत के केरल राज्य के मेथला मेथला कोंगडू कोंगडू गल्लूर त्रिशूर में यह एक मस्जिद यहाँ पर स्थित है इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो कि निर्माण है यह है 629 ट्वेंटी नाइन यानी कि ईस्वी के दौरान किया गया था और इसे भारतीय उपमहाद्वीप की यहाँ पर अभी तक की ओल्डेस्ट मॉस्क्यू के नाम से यहाँ पर जाना जाता है यानी कि सबसे पुरानी मस्जिद के लिए इसे जाना जाता है ठीक है तो याद रखिएगा यहाँ पर कहां पर है केरल में है और इसका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खून से खेलेंगे होली गर्वतन मुश्किल में है बताइए यह है, जो की है किसका है आंसर कीजिएगा यह स्लोगन जो की है यह किसका है आंसर कीजिएगा रूपम क्वेश्चन का आंसर भी किया करो बातें करने के अलावा चलिए आंसर करेंगे सभी भाई किसने यह स्टेटमेंट दिया था यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा इसका यह है दिया गया स्टेटमेंट है तो याद रखिएगा कि यह असफाक उल्लाखां आपको याद होगा काकोरी षड्यंत्र काकोरी षड्यंत्र जो कि था षड्यंत्र के तहत में असफाक उल्लाखां हुए रामप्रसाद बिस्मिल हुए राजेंद्र लाहिड़ी हुए तो इन सभी को यहां पर पकड़ लिया गया था जिसके बाद यहां पर असफाक उल्लाखा जब यह जेल में थे तो इन्होंने खून से खेलेंगे होली यह स्लोगन दिया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा दिया गया था कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह है राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो कि हैं इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था नेक्स्ट है भी हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के उपरांत सालाबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग और किसके बीच में की गई थी बताइए यह जो संधि है सबसे पहला फर्स्ट आंग्लो मराठा वॉर इसकी जो संधि है जो कि सालाबाई की, साला की संधि हुई थी इस युद्ध के दौरान जो कि हेस्टिंग और किसके बीच में यह हुई थी बताइए नाथ राव या फिर नाना फडनवीस बताएंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए सभी के सभी और जितने भी ये लेट दुरुस्त आ रहे हैं क्लास में सभी के सभी डेली सात बजे क्लास से जुड़ जाया क्या करो और अगर आप सभी को पॉलिटी का रिवीजन करना है तो आप सभी मेरे साथ सुबह ग्यारह बजे जुड़ जाइएगा कल ठीक है साथ ही इस संडे हमारी क्लास रहेगी इस संडे हम लोग क्लास करेंगे सुबह ग्यारह बजे आप सभी सुबह ग्यारह बजे क्लास से जुड़ जाना ठीक है चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा जरा एक बार देख लीजिएगा पहले एक बार एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखिएगा की संधि की बात कर लेते हैं तो भाई यह है सेवनटीन मई सेवनटीन एटी टू में यहाँ पर हुई थी जो कि मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ पर हुई थी और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई यह है वॉरेन हेस्टिंग एंड महादजय महादजी सिंधिया महादजी सिंधिया और वॉरेन हेस्टिंग जो की है इनके बीच में यहां पर हुई थी ठीक है याद रखेगा तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पर जाएगा क्लियर है क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो की है यह है हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है आंसर कीजिए सभी क्या हो जाएगा विश्व युवा कौशल दिवस जो की है भाई यह है, कब मनाया जाता है यह है, आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर चलिए कब यह मनाया जाता है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए इसकी अगर बात कर लेते हैं तो 2014 में यह है 2014 में यह यू एन यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अपनाया गया था जो कि 15 जनवरी को इसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है ठीक है याद रखिएगा पर, पर चलते हैं सभी जरा आंसर करेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन में चलिए सभी जनवरी नहीं तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन में पहले एक बार जरा देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन से आप इजीली यहाँ पर आंसर कर पाएंगे राज्यसभा की बात कर लेते हैं यहाँ पर नौ सीटें हैं लोकसभा की यहाँ पर बीस सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर वन फोर्टी सीटें हैं केरल का अपना हाई कोर्ट है जो कि कहाँ पर है सो कोची में इसका हाईकोर्ट है गवर्नर की बात कर लेते हैं आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर गवर्नर है चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो पिनारई विजय जो की है यह है यहाँ पर मुख्य मंत्री हैं अब यहाँ की बात कर लेते हैं ये यह यहाँ पे 140 होगा ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर 140 जो की है यह है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं ठीक है याद रखिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा की, विधान की सीटें हैं 140 करंट टाइम में यह प्रीवियस क्वेश्चन था तो मे बी यहाँ पर वन फोर्टी वन यहाँ पर रही हैं लेकिन करंट टाइम में एक सीटें हैं ठीक है याद रखिएगा बाकी एक चालीस और दो सौ चौबीस का कहीं से कहीं तक भी मेल नहीं था जो आप लोग दो सौ चौबीस आंसर कर रहे थे क्वेश्चन में चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ दीप के नाम दिए गए हैं और वो दीप जिन राज्यों में हैं उनके नाम आपको उनके सामने दिए गए हैं आपको ये बताना है कि इनमें से गलत युगम जो की है जो गलत पेयर है वो कौन सा है चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा और बताइएगा क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा चलिए भाई फटाफट से आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे चलिए क्या आपका आंसर जो की है यह है हमारा यहाँ पे जाएगा बताएंगे सभी के सभी चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे सभी के सभी चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी भाई क्या हो जाएगा हमारा यहां पर फटाफट से देख लेते हैं जरा यहाँ पर क्वेश्चन भी आंसर कीजिएगा सभी के सभी सी ऑप्शन ओके चलिए चलिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आप लोगों का सी ऑप्शन सी ऑप्शन चलिए देखते हैं भवानी की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में है पेट द्वारका की बात कर लेते हैं गुजरात में है नेत्रानी की बात कर लेते हैं कहाँ पर है कर्नाटक में चार चिनार के बारे में बताइए कि यह कहां पर है जल्दी से आंसर कीजिएगा फट से आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है कहां पर स्थित है चार चिनार की अगर बात करें तो चार चिनार जो कि भाई यह आइलैंड है, है यह पर स्थित है आंसर करेंगे फटाफट से क्या हो जाएगा चार चिनार के बारे में चलिए चार चिनार चार चिनार की बात कर लेते हैं तो यह है आपका पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि यह है, है जम्मू कश्मीर में ठीक है याद रखिएगा क्या हो जाएगा कि भाई यह जम्मू कश्मीर में है अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक तरफ आप लोगों को वही देशों के नाम दिए गए हैं उनके सामने आपको करेंसी के नाम दिए गए हैं जिसमें कि आपको बताना है कि भाई यहाँ पर जो कि गलत मेल है वह कौन सा है आंसर कीजिए सभी क्या रहेगा गलत करेंसी जो कि मैचिंग है यहाँ पर वह कौन सी है चलिए आंसर करेंगे फटाफट फड़ से क्या आंसर आपका यहाँ पे रहेगा चलिए बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे सी 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 ओके okay. चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो अल्बानिया की बात कर लेते हैं तो अल्बानिया देश की करेंसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे ये आपका जो की है इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर लेक अल्बानिया की बात कर लेते हैं लेक यहाँ की करेंसी है बेलारूस की बात कर लेते हैं रूबल है ब्राजील रियल है बुल्गारिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है लीव क्या हो जाएगा यहाँ की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा लीव जो की है यह है यहां की करेंसी है कोरोना की बात कर लेते हैं तो भाई यह है चेक गणराज्य की यहाँ पर क्या है करेंसी है ठीक है तो क्या हो जाएगा कि डी वाला जो पेयर यहाँ पे आपको दिया गया है यह यहाँ पे आपको गलत दिया गया है ठीक है याद रखिएगा इसके साथ ही एक सिक्स नंबर का जो कि क्वेश्चन था ये आपका फिफ्टींथ जुलाई है ठीक है वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है यह है पंद्रह जनवरी नहीं बल्कि पंद्रह जुलाई को मनाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सभी आंसर करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि भाई खेड़ा गोन पगोड़ा किस देश में स्थित है आंसर कीजिए क्या रहेगा खेड़ा गेंद पगोड़ा जो की है यह है किस देश में यहाँ पर स्थित है बताइए आंसर करके सभी क्या हो जाएगा आनंद क्लास में पढ़ने के लिए आई हैं तो रुकिए है, नहीं तो फिर आपके लिए क्लास में कोई भी जगह नहीं है चलिए आंसर करेंगे फटाफट फड़ से क्या हो जाएगा क्वेश्चन पे देख लेते हैं इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है किस देश में है यह है म्यांमार देश में इसमें जरा एक बार आप सभी यहाँ पर देखिएगा कि इसकी अगर बात की जाए तो गोल्डन ड्रैगन पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है जिसे कि ग्रेट ड्रैगन पैगोड़ा भी कहा जाता है या फिर गोल्डन पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है म्यांमार देश को म्यांमार जो कि है म्यांमार के यांगून में स्थित एक सोने का पानी चढ़ा हुआ एक स्तूप है जो कि यहां पे श्वेदा गौन म्यांमार में सबसे पवित्र बौद्ध शिवालय के लिए जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें वर्तमान कल्प के चार पिछले बौद्धों के अवशेष यहाँ पर बने हुए हैं जिसे कि खेड़ा पैगोड़ा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है क्लियर है याद रखिएगा, कभी कभी आप लोगों से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्डन ड्रैगन पैगोड़ा के नाम से किस देश को यहाँ पर जाना जाता है तो यह है म्यांमार देश ठीक है क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर कीजिएगा तो एक तरफ आप लोगों को कुछ न्यूज़पेपर के नाम दिए गए हैं और उनके सामने आपको जिन्होंने की वह न्यूज पेपर यहाँ पर शुरुआत की है उनके नाम दिए गए हैं तो आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा यहाँ पर आप लोगों को गलत दिया गया है चलिए आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा चलिए क्या आंसर आपका यहाँ पे जाएगा बताना है आप लोगों को फटाफट से ध्यान से देख करके आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन में चलिए चारों के चारों ऑप्शन चारो के बारे में चलिए सो so चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा हमारा जो कि आंसर है आपका लास्ट से एक काम कर लेते हैं कि लास्ट से जो कि है हम लोग यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए देख लीजिएगा सबसे पहले है कि बोधना की अगर बात की जाए तो कौन जाने जाते हैं न्यूज न्यूज़पेपर के फाउंडर के रूप में तो स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं इंडियन मिरर की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा देवेंद्र टैगोर जाने जाते हैं कॉमन बिल की बात कर लेते हैं एनी बेसेंट जानी जाती हैं बट यदि हम प्रताप की बात कर लेते हैं तो भाई यह है गणेश शंकर गणेश शंकर विद्यार्थी विद्यार्थी जो की है यह है जाने जाते हैं इसके फाउंडर के रूप में ना कि मोतीलाल नेहरू यहाँ पर जाने जाते हैं तो क्या हो जाएगा अपना जो आंसर है तो अपना जो आंसर है यह है, ए ऑप्शन यहाँ पर जाएगा बिल्कुल अकाउंटेंसी कंफ्यूजन तो सभी को होता है ठीक है बट क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लो रुको सोचो और फिर आंसर करो चलिए आंसर करेंगे तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा फटाफट से बताएंगे आप सभी बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं यह आप लोगों को यहाँ पे आंसर करके बताना है फटाफट फड़ से आंसर कीजिएगा सभी के सभी क्या हो जाएगा कितने खिलाड़ी जो की हैं बेस बॉल में यहां पर खेलते हैं बताइए चलिए टीम मेंबर्स की संख्या कितनी होती है नो no, बिल्कुल सही क्या हो जाएगा यहाँ पे नो no. और नो no ही यहाँ पर खो खो में जो कि यहाँ पर खेलते हैं उनकी संख्या यहाँ पर रहती है मैदान में यानी कि ग्राउंड में द नेक्स्ट है कि भाई ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है चलिए बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन में कि भाई ट्यूरिंग अवार्ड जो कि है यह किस फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए फटाफट फड़ से आंसर करेंगे किस फील्ड में भाई यह है दिया जाता है इस फील्ड में दिया जाता है बताएंगे क्वेश्चन में कंप्यूटर साइंस बिल्कुल से क्या हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में यह है दिया जाता है और इसे कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज कहा जाता है याद रखिएगा जैसे कि मैथ का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है एबेल अवार्ड को कहा जाता है ठीक है याद रखिएगा कंप्यूटर का नोबेल प्राइज जो की है यह ट्यूरिंग अवार्ड को यहाँ पर कहा जाता है याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं नेक्स्ट आंसर करेंगे सभी uh, मैं क्वेश्चन पे आगे बढ़ रही हूँ उस वाले क्वेश्चन से प्रीवियस था कि भाई पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड यह किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे होम इन दी वर्ल्ड यह जो कि बुक है यह बुक किसकी द्वारा लिखी गई है बताएंगे चलिए होम इन दी वर्ल्ड जो की भाई बुक है यह है किसके द्वारा यहाँ पर लिखी गई है चलिए आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे इस बुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई यह अमृत सेन के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे भाई हमारा आंसर जो की है यह है अपना यहाँ पर जाएगा नेक्स्ट है हमारा होजागिरी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है यह आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा होजागिरी डांस फॉर्म की बात कर लेते हैं तो भाई यह है किस राज्य का डांस फॉर्म यहाँ पर जाना जाता है ये आप लोगों को बताना है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा तो भाई होजागिरी जो कि है यह होता है आपका त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा राज्य का यह एक फोक डांस है क्वेश्चन है नबाना या नोबानो किस राज्य का एक राज्य का यह एक प्रमुख फसल उत्सव है आंसर कीजिएगा सभी क्या हो जाएगा चलिए किस राज्य का यह एक फेस्टिवल है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन में चलिए बताएंगे भाई क्या हो जाएगा चलिए क्वेश्चन में इसकी अगर मैं बात करूं नबाना जो कि है यह एक बंगाली यह एक बंगाली फेस्टिवल के लिए यहाँ पर जाना जाता है कि जो कि जनरली भारत का जैसे कि त्रिपुरा राज्य है असम राज्य है है ना और यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य है तो इन क्षेत्रों में यह आमतौर पर जो कि बराक घाटी वाला क्षेत्र है यह आमतौर पर यहाँ पर मनाया जाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर है यह हमारा पश्चिम बंगाल यहाँ पर रहेगा ठीक है बिल्कुल सही है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ में त्रिपुरा राज्य हुआ असम राज्य हुआ इन क्षेत्रों में भी यह है, मनाया जाता है हमारा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भाई यहाँ पर यह बौद्ध धर्म से संबंधित यह है, रहा है तो और इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं तो भाई यह बिहार में है आपको बताना है कि किस पाल शासक ने इसकी स्थापना की थी बताइए किस पाल शासक ने इसकी स्थापना की थी गोपाल देवपाल या धर्मपाल तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर कि धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी क्या आंसर हो जाएगा बच्चों पर सी ऑप्शन हमारा आंसर जाएगा धर्मपाल जो कि है यह है पाल वंश का थर्ड नंबर का शासक था फर्स्ट नंबर का पाल वंश का शासक गोपाल सेकंड एंड थर्ड ठीक है चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं आंसर करेंगे कि भाई इकोनॉमिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो की है यह किसके द्वारा जारी की जाती है बताएंगे चलिए इकोनॉमिक आउटलुक जो की भाई रिपोर्ट है यह किसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चलिए किसके द्वारा यह पब्लिश की जाती है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है आंसर करेंगे क्या हो जाएगा चलिए किसके द्वारा यहाँ पर यह पब्लिश जो की है भाई की जाती है आंसर करेंगे सभी क्या हो जाएगा चले इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्लोबल ग्रोथ को यह देशों की जो कि ग्लोबल ग्रोथ है ग्लोबल ग्रोथ है इसे यह है दर्शाता है यानी कि वैश्विक वृद्धि को यह है दर्शाता है और जनरली यह जो कि पब्लिश की जाती है यह है ट्वाइस यानी कि यह दो साल में दो साल में जो कि है यह है, एक बार यहाँ पर पब्लिश की जाती है यह आप सभी यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे क्या हो जाएगा कि भाई यह जो कि यहाँ पर पब्लिश की जाती है यह है, दो वर्ष में एक बार ही इसका प्रकाशन यहाँ पर किया जाता है इस रिपोर्ट का और यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की जाती है तो क्या हो जाएगा आई एम एफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो की है यह आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर जो की है यहाँ पे हमारा जाएगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी के सभी आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन है कि सौचाल्य हिल्स एक बायो रिजी स्थित है कहां पर बताएंगे शेषाचलम है ये शेषाचलम शेषाचलम जो की भाई हिल्स है यह कहाँ पर स्थित है यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है चलिए आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा फटाफट से किसके द्वारा भाई यह पर जारी की जाती है यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा अच्छा इसमें यह याद रखना सॉरी यह आपकी दो साल में एक बार जारी नहीं की जाती है बल्कि एक साल में यह ट्वाइस यानी कि दो बार जारी की जाती है ठीक है इसको मैं थोड़ा भूल गई थी ये याद रखिएगा एक साल में ये जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये दो बार जारी की जाती है एक साल में ठीक है चलिए तो यहां पे आंसर करके बताएंगे कि शीषा चलम की यदि हम बात कर लेते हैं भाई यह है कहां पर स्थित है फटाफट से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा शीषाचलम जो कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है यह कहां पर आपका स्थित है आंसर करेंगे सभी के सभी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना बिल्कुल इसका जो कि मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर पड़ता है यह है आपका कहां पर है आंध्र प्रदेश में तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की यदि बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश द नेक्स्ट है कि औसमान सागर झील किस शहर में है बताइए औसमान सागर लेक जो कि है भाई यह कहाँ पर स्थित है यह है। आप लोगों को यहाँ पे बताना है फटाफट पड़ से आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा चलिए क्या हमारा आंसर जो की है यहाँ पर रहेगा इसकी अगर बात कर लेते हैं लगभग ट्वेंटी नाइन किलोमीटर स्क्वायर में यह फैली हुई है और इसके कंस्ट्रक्शन का जो कि काम है यह 1912 में यहाँ पर किया गया था यह एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि कहाँ पर है यह हैदराबाद है है में ठीक है हुसैन सागर लेक भी यहाँ पर ही है हुसैन सागर लेक यानी कि झील की अगर बात की जाए तो यह भी कहाँ पर है हैदराबाद में ही यह बात याद रखिएगा क्या हो जाएगा हैदराबाद यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर हमारा जाएगा नेक्स्ट है कि कहेगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है बताइए न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर मैं क्लास ले चुकी हूँ आप लोगों की तो जिन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन नहीं किए हैं वह कर लीजिएगा चलिए आंसर करेंगे सभी की कैगा थर्मल पावर प्लांट जो की है यह कहाँ पर है तो यह है कर्नाटक राज्य में next, कि भाई आपको बताना है कि भारत का प्रथम यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल जो कि रहा है शहर वह कौन सा यहाँ पर रहा है बताएंगे चलिए कुछ क्वेश्चंस और बाकी रहे हैं बस दो तीन क्वेश्चन और हैं तो कंप्लीट ही कर लेते हैं इस फाइल को ठीक है नहीं तो दो तीन क्वेश्चन रह जाएंगे फिर मुझे लगेगा कि मैं आपको यह फाइल कंप्लीट करा चुकी हूँ दो तीन क्वेश्चन और है फटाफट -फड़ कर लेते हैं भारत का सबसे पहला जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया शहर था यह था अहमदाबाद जिसे कि 2017 में घोषित किया गया था जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यहां पर घोषित किया गया था ठीक है याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं सभी बताएंगे कि भाई कमाझार बंदरगाह किस राज्य में स्थित है आंसर कीजिए अब आंसर की स्पीड आप लोगों की तेज हो गई क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं और क्लास ऑफ होने वाली है चलिए आंसर करेंगे सभी के सभी के क्या हो जाएगा यहाँ पर स्पॉट की लोकेशन की बात कर लेते हैं तो भाई यह पर आप लोगों का पड़ता है चलिए तमिलनाडु में बिल्कुल सही तमिलनाडु में यह चेन्नई के नियरेस्ट पड़ता है ठीक है चेन्नई के नियरेस्ट यह पड़ता है द नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बताएंगे आप सभी कि भाई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पर यह स्थित है, है? बताइए जल्दी से चलिए यह कहां पर स्थित है यह है, आप लोगों को आंसर करके बताना है और सभी के सभी भाई क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने की लाइक नहीं किया हुआ है फटाफट से बताएंगे आप सभी क्या हो जाएगा यहाँ पर कहाँ पर यह स्थित है, है यह आप लोगों को बताना है बिल्कुल सही बात है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है, है मुंबई में लोकेटेड क्या हो जाएगा इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं सो भाई यह आपका मुंबई में स्थित है ठीक है अब एक क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है यह आपको होमवर्क के लिए दूंगी इसके साथ ही आप सभी आज 10:45 पीएम वाला सेशन कर लीजिएगा जिसमें कि आज मैं आप लोगों को इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज के बारे में यहां पर डिस्कवरीज के बारे में यहां पर कवर कराऊंगी साथ ही आप सभी सुबह 11 बजे डेली मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं जिसमें कि अभी मैं पॉलिटी का रिवीजन करा रही हूं तो सभी के सभी पॉलिटी का रिवीजन करने के लिए मेरे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे और एक बात और आप लोगों को जरा यहाँ पर एक बार अपनी क्लास के लिए भी मुझे जरा बता देना है कि भाई आप लोग जो कि है यहां पर आप लोगों को एक बार मैं क्लास के बारे में बता देती हूँ कि भाई चलिए चैनल पर चल लेते हैं एक बार तो हाँ यहाँ पर जब आप लोग चैनल पर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग वीडियोस पर जाइएगा वीडियोस पर होम होम के जस्ट बराबर में वीडियोस हैं एंड वीडियोस के जस्ट बराबर में ही आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा सेशन जो कि दिल्ली सर्विसेज बिल के ऊपर भी मैं कर चुकी हूँ एंड इंडियन हु विन दी ऑस्कर एंड अवार्ड ऑस्कर अवार्ड एंड मेडल्स प्राउड यानी कि वह सभी भारतीय जिनका की मैं ऑस्कर अवार्ड जिनको ऑस्कर अवार्ड मिले हुए हैं उन सभी के बारे में स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक सभी के बारे में मैंने करा दिया है दस मिनट की वीडियो है

सभी जाकर के क्लासेस को कवर कर लीजिएगा कोर्स स्पेशली मेहनत जो की है यह आप लोगों के लिए की जा रही है और अगर आप लोग ही चीज़ों का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेली ये सभी चीजें रिपीट की जाएंगी पढ़ाई जाएंगी अभी स्पेशल सेशन में ले रही हूँ देन नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और स्पेशल सेशन लेंगे कभी मैप के बारे में स्टार्ट करेंगे कभी कैसे तो करते रहेंगे चीज़ों को धीरे धीरे ना वो कहते हैं ना कि बेबी स्टेप हम लोग लेते रहेंगे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप इन चीजों को धीरे धीरे करके कवर हम लोग सभी चीजों को कर लेंगे ठीक है चलिए फिलहाल आज का जो सेशन है ये मैं यहां तक ही रखती हूँ तो आप सभी जो की है भाई यहां पर, जरा, जुड़ जाएंगे रात का जो कि टेन फोर्टी फाइव पी का सेशन है उसको भी जरूर कवर कर लीजिएगा बाकी क्लास को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं हम लोग कल अपनी क्लास में ठीक है साथ ही भाई अपने बैच के बारे में भी यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी आप लोगों का अन एप्लीकेशन पर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है तो आप सभी मेरे कोड का यूज करते हुए जो कि है एस ओ टी वाई कोड का यूज करते हुए फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के साथ में आ, दो साल के लिए चार हजार पाँच सौ रुपये में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक साल के लिए आप लोग चार हजार रुपये में बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं चलिए तो फिलहाल क्लास को यहाँ तक रखते हैं सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत